तो दोस्तों कल सुबह 7 बजे फर्स्ट डे फर्स्ट शो में एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया देखने पहुंच गया, लेकिन एग्जाम की वजह से वीडियो आज अपलोड करनी पड़ी। एनीवेज, लेकिन आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि ये एंटमैन फ्रेंचाइजी की थर्ड फिल्म है एंड फेज 5 की फर्स्ट मूवी है। एंड इसी मूवी में हमको कैंग द कॉन्करर दिखाया है, जो एमसीयू का नेक्स्ट बैडेस्ट विलन होने वाला है, जिसके एक वेरिएंट ही वो रिमेन्स को अपने लोकी सीरीज में ऑलरेडी देखा ही होगा। एंड ये मूवी देखने से पहले आपको मार्वल की पुरानी मूवीज एंड लोकी सीरीज को देखना पड़ेगा। तो आज हम एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया का रिव्यू एंड पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में बर-बर के स्पॉइलर होंगे, तो वक्त की जंजीरों को तोड़े वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टोरी में अपने स्कॉट की जिंदगी एकदम मजे में होती है, जहां वो होप पिम के साथ बियर एंजॉय करता है, मुफ्त की कॉफी पीता है एंड उसकी लाइफ का एक अच्छा डिसीजन बास्केट रॉबिन में काम करना और वहां भी एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी बनना। लेकिन स्कॉट की बेटी कैसी अपने पापा के नक्शे कदम पे चलकर अच्छा काम कर रही थी एंड इसी की वजह से कैसी 2 से 3 बार जेल जाती है एंड स्कॉट इस बात से काफी नाराज भी होता है। फिर उसी दौरान कैसी, होप एंड हैंक पिम रिसर्च करके एक डिवाइस बनाते हैं जो क्वांटम रियल में सिग्नल भेज रहा था। उसी बात से जेनेट काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसने अपने कीमती 30 साल क्वांटम रियल में गुजारे थे। तभी डिवाइस को बंद करते टाइम एक गलती से वो पांचों और उनकी एंट आर्मी क्वांटम रियल में फंस जाता है, जहां हमको क्वांटम रियल के नीचे छुपा एक यूनिवर्स मिलता है जिसको रूल कैंग द कॉन्करर करता है। लेकिन स्कॉट एंड उसकी फैमिली का मोटिव सिर्फ क्वांटम रियल से बाहर जाना था। लेकिन तभी हम यूवर्स को जेनेट के पास के बारे में पता चलता है कि जेनेट जब क्वांटम रियल में फंसी थी तब कैंग द कॉन्करर की मल्टीवर्सल मशीन खराब हो गई थी एंड उन दोनों ने वही 1.5 साल में मशीन को ठीक किया। तभी जेनेट को कैंग द कॉन्करर के पास के बारे में पता चलता है कि कैंग ने बहुत सारे यूनिवर्स को अकेले ही तबाह कर दिया था एंड अभी उसका मेन मोटिव क्वांटम रियल के इस यूनिवर्स से निकलने का था। लेकिन जेनेट ने वही टेक्नोलॉजी को पिम पार्टिकल से बड़ा कर दिया एंड कैंग उसी यूनिवर्स में काफी सालों से फंस गया था एंड 30 साल बाद कैसी के क्वांटम रियल में सिग्नल भेजने की वजह से वो पांचों क्वांटम रियल में फंस गए, जहां इन सबके पीछे मास्टरमाइंड था डेरन क्रॉस येलो जैकेट, जो अब मोडोक के नाम से जाना जाता था। तो ये सारी चीजों के पीछे मोडोक के छोटे छोटे हाथ थे एंड तभी कैंग स्कॉट को अपनी पावर से डराकर धमकाकर वही मल्टीवर्सल मशीन को पिम पार्टिकल से छोटा करने के लिए कहता है अपनी बेटी कैसी के बदले। एंड इसी कॉन्सिक्वेंसेस में मूवी काफी इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड बनती है एंड मूवी के एंडिंग में स्कॉट एंड ज़ास क्वेंग को मारकर एक हैप्पी एंडिंग करते हैं। बस यही मूवी की स्टोरी है। बाकी मूवी के अच्छे पार्ट्स की बात करें तो पूरी मूवी में क्वांटम रियल को प्रेजेंट करने का तरीका, क्वांटम रियल के क्रिएचर को डायरेक्टर ने काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया है। फिर मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी अच्छा था, स्पेशली जोनाथन मेजर के कैंग एंड स्कॉट की एक्टिंग भी काफी अमेजिंग थी। डायरेक्शन स्क्रीन प्ले भी काफी तगड़ा था। फिर पूरी मूवी को काफी ऑसम बनाता है वो है मिड क्रेडिट सीन एंड पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसको देख के गूज़बम्स आ जाते हैं। मूवी के विजुअल इफेक्ट, क्लाइमेक्स एंड आर्मी का आना काफी एंटरटेनिंग था। लेकिन ये सारे अच्छे पार्ट्स हैं, बुरे पार्ट्स की बात करें तो वो भी काफी है। जैसे कि कैंग के प्रेजेंट को इन्होंने काफी खराब कर दिया है, जहां इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के सिर्फ हल्के फाइट सीन से ही हमको पता चल गया था कि थैनोस काफी बवाल मचाने वाला है। फिर मूवी का रन टाइम 2 hours 5 minutes का था, जो काफी कम था। इसी की वजह से हम कैसी लैंग के कैरेक्टर के साथ इतना कनेक्ट नहीं कर पाए। फिर क्लाइमेक्स में कैंग के हाथ से निकलने वाले PG-13 लेजर भी काफी खराब थे। मूवी का फेस काफी फास्ट था, जहां आपको मूवी कुछ भी सोचने का मौका नहीं देती है एंड मूवी की स्टोरी भी काफी ओके थी। एंड मोडोक जैसे कैरेक्टर को पहले इविल दिखाता है, फिर एंड में एवेंजर्स घोषित करते हैं, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। यही चीज है जो खराब लगी। ओवरऑल एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया काफी एंटरटेनिंग मूवी है एंड फेज 4 की सारी मूवीज से बेहतर एंड हटके है, जहां हमें एक्शन, कॉमेडी, कनेक्टिविटी, ड्रामा एंड दमदार विजुअल देखने को मिलता है। एंड मूवी PG-13 होने की वजह से आप ये मूवी आपके फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब, जो 2 post-credit scene थे उसी की वजह से एमसीयू का फ्यूचर डिसाइड होने वाला है, जहां फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में कॉमिक एक्यूरेट ड्रामाटर्स इमोटियस एंड स्कारलेट सेंचुरियंस दिखते हैं एंड उन तीनों के अलावा हमको एरिना दिखता है, जहां हमको दिखते हैं लाखों वेरिएंट्स कैंग द कॉन्करर के एंड तभी हमको एक स्कर्ल वेरिएंट भी दिखता है, जो सेम शॉट हमको एवेंजर्स 292 की कॉमिक बुक का अपीयरेंस है एंड हमको सारे कैंग टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए दिखता है, जो सेम रीड रिचर्ड्स ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में यूज किया था एंड रामाटट का ईस्टर एक हमको मून नाइट की सीरीज में ऑलरेडी दिखाई था। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो हमको लोकी एंड मोबियस 19th सेंचुरी में दिखते हैं, जहां हमें कैंग का एक और विलेन दिखता है विक्टर टाइमली, जो अपने आप में काफी बड़ा ईस्टर है। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो नहीं करते हो तो मैंने 4 महीने पहले टाइमली कॉमिक्स, जो मार्वल कॉमिक्स का 1939 में नाम था एंड बाद में जाके मार्वल कॉमिक्स बना, जिसके डायरेक्टर स्टैनली खुद थे एंड विक्टर टाइमली काफी इंटेलिजेंट वेरिएंट था, जो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने में लगा होता है।
लेकिन जब आप पोस्ट क्रेडिट सीन को ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलता है कि लोकी ने जब विक्टर टाइमली को देखता है तो वो चौंक जाता है एंड मोबियस को हीवू रिमेंस के बारे में नहीं पता होने की वजह से वो हंसता है। एंड अभी लोकी के सेकंड सीजन में लोकी एंड मोबियस कैंग के अलग अलग वेरिएंट्स के बारे में एक्सप्लोर करते हुए देखने को मिल सकता है। एंड अभी से ही बता देता हूँ कि ये मूवी से एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जैसे कि फैंटास्टिक फोर, सीक्रेट वॉर्स, कैंग डायनेस्टी के सारे दरवाजे खुल गए हैं। एंड एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी आपको कैंग के अपीयरेंस एंड ईस्टर एग हर मूवी में देखने को मिल सकता है, तो चौंकना मत। बाकी इस पोस्ट क्रेडिट को दूसरे वीडियो में डिटेल में बात करते हैं कि विक्टर टाइमली कौन है, कैंग के तीन वेरिएंट क्या है, वो सारी बातों को नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।